वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो होप सो आपको जो पहला लेक्चर था यार वो बहुत ऑसम से आपने सीखा होगा, उसके कंसेप्ट आपने यूज करे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज मैं लेक्चर नंबर 2 में बात करने वाला हूँ। देखो हमने फोर्स की सारी बातें कर ली है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, उसके कंसेप्ट क्या है, और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यू कैन से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो जी है उसी को बोला जाता है, जो ग्रेविटी की जो इंटेंसिटी उसी को बोला जाता है। लेकिन आज हम उसके वेरिएशन की बात करेंगे, इंटेंसिटी वाले कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे। मतलब हम जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं कितने टाइप के वेरिएशन और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बॉस की इजी है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इजी है और इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि इजी है, मतलब हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है इसके क्वेश्चन, अगर आराम से आपने इसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीख लिया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देखो यार अब हमें हमारा जो फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। न्यूटन लॉ साहब ने क्या बोला था, अर्थ जो होती है वो उसकी जो एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, जिससे इंटेंसिटी मतलब उसकी ताकत है ना किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को तो ग्रेविटी की इंटेंसिटी बोला जाएगा, ठीक है। ताकत मतलब खींच रही है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रही है उस चीज पे अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उसी को इंटेंसिटी बोला जाता है। सिंपल है ना यार, ठीक है। तो मैं कितनी ताकत से किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी इंटेंसिटी है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं आपको बहुत अच्छे समझा पा रहा हूँ तो दिस इज माय इंटेंसिटी कि आप मेरे से ही पढ़ने वाले हो। सो दिस इज द टाइप ऑफ अट्रैक्शन, आप समझदार हो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यार आप बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, और इसमें जितने भी वेरिएशन है वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत टफ नहीं होते हैं। बस ध्यान से आपने देखना है, नोट्स बनाना है और मस्त तरीके से सीखते रहना है बॉस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी सर, एक्सेलरेशन है ना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो हम बात करेंगे बॉस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो आपको सपनों में आता है उत्तरी, तो लाइफ में यार इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तो सपनों में आता है। देखो बचपन से सीख रहे हैं ना, बचपन से देख रहे हैं ना, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था इसको, ठीक है। सो अब भी पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ा आपने, मतलब इसका बहुत नाम हमने सुन रखा है। ओके सर, तो किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी वैल्यू किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी देखेंगे होले होले। सो जी है, और अगर आप इसको जी वेक्टर लिख दो, इसी को बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, मतलब कौन सी फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, अभी मैं इसके वेरिएशन की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो क्या करने वाले हो सर, देखो भाई तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, देखो भाई अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो हमें पता है कि सपोज करो ये हमारी अर्थ है जहां पे हम रहते हैं, ठीक है, इतना पॉइंट तो हमारा क्लियर ही है, ठीक है। सो ये इसका सेंटर है, और अर्थ की जो रेडियस है ऑब्वियसली सेंटर से इसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये जो है ये पूरी की पूरी जो अर्थ है हमारी, इसका जो मास है वो एम ई मान लो, और इसकी जो रेडियस है वो आर ई आप मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर किसी हाइट पर, ऐसे समझो इससे ऊपर इसके सरफेस से, ये इसका सरफेस है, किसी हाइट पे आप एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास एम है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है। हमने बढ़िया तरीके से सीखा था, ध्यान रखना एक चीज हमेशा कि जो अर्थ है ये बॉडी है, ये पार्टिकल है, तो इस अर्थ का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, ये अज्यूम करके चलना है, ठीक है। और ये अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस बात का हमें पता है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ। अगर मैं ध्यान से देखूं इस बॉडी पे अर्थ का जो अट्रैक्शन है, अगर मैं उसको निकालूं, वो होगा इसका मास इंटू जी, ठीक है, यानी इसका जो वेट होगा, यानी इसका जो वेट होगा, ठीक है, अभी देखते जाना, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने भी यही बताया था कि भाई दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल। सो ये इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है ये किसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप देख सकते हो सर वो होता था आपके पास जी एम एम ओवर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस सेंटर से लेनी है बिल्कुल, और ये स्मॉल आर मान लो आप, ठीक है,
तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द पार्टिकल, ये r मान लो स्मॉल एंड दिस इज स्मॉल r स्क्वायर, और ये जो g यहां पे फोर्स अप्लाई किया गया ना, वो जो ग्रेविटी ने फोर्स अप्लाई किया बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए, वो उसके वेट के इक्वल ही तो होगा, इसको इक्वल मान सकते हैं। मैं जस्ट इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, बाकी आपको डायरेक्ट बताऊंगा सारी चीजें। सो ये बन जाता है जी एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर, देखो पार्टिकल वाला मास हो जाता है कैंसिल, सो स्मॉल जी यहां से निकल के आता है जी एम ओवर आर स्क्वायर। नाउ हियर वी गो, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, एक्चुअली बस समझ में आई बॉस, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्या सर क्या बात कर रहे हो आप, यही बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, दिस इज कॉल्ड एज, दिस जी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस जी को ही बोला जाता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो जी कांस्टेंट पे मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, और ये अर्थ का मास है उस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये मास अर्थ का था, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी फ्रॉम द, ऑलवेज टेक दिस डिस्टेंस, अगर आप अर्थ की बात करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पार्टिकल, सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पार्टिकल, समझ में आएगा। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस From, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ले रही है, पार्टिकल जाके भी होगा बाहर तक, ठीक है बॉस। अच्छा सर ठीक है, अब ये जो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है यार, ये अर्थ के सरफेस से बाहर है, अगर मैं इसको यहां तक देखू अर्थ के सरफेस से बाहर है, लेकिन अगर ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे ही आ जाए, ठीक है यहां से ना, अगर ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे ही आ जाए तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ ऐसे खींच रही होगी, और जो डिस्टेंस बचेगी, पार्टिकल यहाँ पे है, पहले ए पॉइंट पे था, अब सरफेस वाले पॉइंट पे है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है इसके बीच में अब ये है, यहां से यहां तक, मतलब स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हैं, वॉट इज दैट, जी एम ई ओवर स्मॉल आर आपका इक्वल टू हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ का square, and this is the main required value of acceleration due to gravity. Easy यार, tension मत लो, हर variation आपको बेहतर तरीके से बताना हो किस तरीके से आप question को crack कर सकते हो, solve कर सकते हो इस concept का use करके, तो ये variation कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। So this is the value of g, okay sir, ये भी constant, आपका mass भी constant, radius भी constant, मतलब ये जो g आ गया, चूंकि ये डिस्टेंस आपने जो ली है बॉडी की या पार्टिकल की वो अर्थ के सरफेस तक ली है, तो ये अर्थ के सरफेस पे है g की वैल्यू, ध्यान से समझना, अर्थ के सरफेस पे, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ के सरफेस पे होगा तो उस पे ये g हमेशा इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसकी जो इंटेंसिटी है उससे, कहीं पे भी होगा ऐसे, कहीं पे भी देख लो ऐसे, इधर कहीं पे भी होगा, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ इसको इसी अमाउंट से अट्रैक्ट कर रहा होगा इस वाले से, अगर वो अपने सरफेस पे है, वो बॉडी का सरफेस पे है, ठीक है, तो सेम अमाउंट से उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो भाई ये सब कांस्टेंट होते हैं, जी बी एम बी आर बी, सब की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 होती है, मास ऑफ अर्थ आप ले सकते हो 6×24 kg, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ तो बचपन से याद है 6400 किलोमीटर, सारे वैल्यू यहाँ पटको उठको कैलकुलेट करो और निकालो, तो जी की वैल्यू निकाल के आएगी, सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू जी की अर्थ के सरफेस पे होती है, इस बात का पहले ख्याल रखेंगे, मैंने जी एस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू है, अगर अर्थ के सरफेस से नीचे आने की कोशिश करोगे या ऊपर आने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि चेंज हो जाए, देखेंगे, वैसे तो हमें पता ही है चेंज होगी डेफिनेटली, ठीक है, फिर भी देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे ना वो, ठीक है। सो ये अभी तक आपने याद रखना है, ये जस्ट हमने एक बेसिक कैलकुलेशन करी है यार, मतलब जब हम पढ़ी रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, वेरिएशन कैसे करने हो तो हम कर ही लेंगे ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जी है, मतलब अगर बॉडी कहीं पे भी हो, यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे है, तो भी इसी अट्रैक्शन से वो अर्थ के सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जी, इंटेंसिटी इतनी है उसकी, इतनी इंटेंसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन कहेंगे हम, समझ गए होंगे आप। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, ओके, अब हम यहाँ वेरिएशन की बात करेंगे, अभी तक तो मैंने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया कि भाई बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ के सरफेस पर कहीं भी अगर बॉडी है तो उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ कितनी इंटेंसिटी, कितने एक्सेलरेशन के साथ अट्रैक्ट कर लेती है, अभी ये सीखा है कि वो,
ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके वेरिएशन की बात करेंगे तो कितने वेरिएशन होंगे, सबको वन बाय वन देखेंगे, उसको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका फंडा उगाने वाला है एकदम क्लियर मस्त तरीके से। लास्ट में उसको ग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% चांस बने रहते हैं। सो मिशन पे लगे रहना बॉस के लिए। ओके गाइस, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो हमने जी के बारे में हमने कैलकुलेट कर लिया, वेरिएशन की बात करने वाले हैं। उससे पहले जी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमें कन्वर्ट करना है, वो भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, व्हाट इज दैट सर? देखो जी, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि जी क्या होता है, जी एम ई ओवर आर टी का स्क्वायर। ठीक है, ये है अर्थ के सरफेस के जी की बात, जहां पे आर इज द रेडियस है अर्थ की एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ, तो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने क्या करना है दोस्तों, इसको जो अर्थ है ना हमारी, हमारे पास जो अर्थ है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसका मास है एम पी, और अगर पार्टिकल उसकी सरफेस पे है स्मॉल मास का, तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ऑब्वियसली हमें पता है जी इस वाले जी से अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अर्थ है ये किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। अभी अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो सपोज करो अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, समझ गया? So, जो अर्थ की डेंसिटी है हमें पता है डेंसिटी होती है मास ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, ये होती है कि नहीं होती है, ठीक है, बहुत चलिए, ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो सर क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं मास को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को रो लिखेंगे, मास वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 r³। आपको बताइए अर्थ की डेंसिटी है तो अर्थ की रेडियस है तो अर्थ का मास है, नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे जरा जी अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आप देखोगे 4/3 πr³। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, एक स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपके सरफेस पे जी की वैल्यू है वो आएगी 4/3 g πr³। ठीक है, ये बचना चाहिए बस, ठीक है, डेंसिटी कहाँ जाएगी जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वही हमने छोड़ दिया वो, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कॉन्स्टेंट है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो, जब हम डेंसिटी के टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, थोड़ा सा क्लियरली मैं लिखता हूँ आपके लिए, so this is the density of earth, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जब आप डेंसिटी के टर्म्स में देखोगे तो जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब आप मास के टर्म्स में निकले हो तो जी आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तब है जब मास के टर्म्स में निकले हो, ये तब है यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जब डेंसिटी के टर्म्स में निकले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब जो डेंसिटी की बात करें, अगर क्वेश्चन में कि डेंसिटी आप कितनी देर के दूसरे प्लैनेट की है, तो बताओ इस प्लैनेट पे अगर जी की वैल्यू है तो दूसरे पे निकालो, तो अगर डेंसिटी की बात करें तो यहां से निकालोगे जी एट फर्स्ट प्लैनेट, जी एट सेकंड, मतलब एक तो ऑब्वियसली अर्थ ले रहा हो, सो आर वन ओवर आर टू इनटू डेंसिटी रो वन ओवर रो टू, डेंसिटी सेम दे भी सकता है, अलग अलग दे सकता है, और वो आपके हाथ में है, आप ध्यान से देख सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इंपॉर्टेंट यू नो, एक छोटा सा फॉर्मूला और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब हम कर ही रहे हैं तो बेसिक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ठीक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वह सारी बात हम करने वाले हैं क्यों छोड़े बॉस, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर जी की वैल्यू आप निकालो तो जी वन ओवर जी टू यू कैन राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर टू ऊपर जाएगा, आर वन नीचे रहेगा, और इसका स्क्वायर ओवर एम वन ओवर एम टू, यहां से जी ये मिलेगा। ये मास के टर्म्स में, जैसे दो अलग अलग प्लैनेट को अगर वो कंपेयर कराने लगता है उनके मासेस को अर्थ के साथ किसी अदर प्लैनेट की, अगर वो बात करता है यहाँ डेंसिटी के टर्म्स में, यहाँ पे मास के टर्म्स में, ये बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे इसको डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट किया है, बाकी ये सारे वैल्यू कॉन्स्टेंट थे इसलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे बना दी है, ठीक है, वो तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब ये वाला फेज मुझे आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ईजी होता है, बट वो इजी कब होता है, जब ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में होती है, अब आप इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा एक चीज, कौन सी चीज, चलो ठीक है मैं वेरिएशन में ही बताऊंगा, आप इंतजार कर रहे होंगे सर वेरिएशन की भी तो बात करनी है, यस करेंगे ना, बहुत सारी चीजों की भी तो बात करनी है,
अब वेरिएशन की ही तो बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, दिस इज योर यू नो फर्स्ट वेरिएशन। तो चूंकि मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, तो हाइट की अगर किसी बॉडी को आपके सरफेस से बाहर बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाते हैं, सो जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट पे जाने पे मतलब आपके सरफेस से बाहर जाने पे किसी एंगल बहुत ज्यादा हाइट पे आप लेके जा रहे हो उसको, ठीक है, तो वहां पे जी किस तरीके से वैरी कर रहा हो, जी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला वेरिएशन ले रहा हूँ हाइट एच फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, फिर हम डेप्थ की बात करेंगे, फिर हम रोटेशन की बात करेंगे और शेप ऑफ अर्थ की भी बात कर सकते हो। बट जो तो तीन इंपॉर्टेंट है आपके पास, डेप्थ है, हाइट है एंड द रोटेशन है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे वेरिएशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, ड्यू टू हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके तो लेट्स सी, मैंने ये अर्थ सरफेस यहाँ पे बना लिया है, मतलब एक अर्थ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एंड दैट इज अर्थ है बॉस, एक सॉलिड स्फीयर है, इस तरीके से आप मान सकते हैं। अर्थ के सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो होती है आर रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल, लेकिन अगर पार्टिकल इससे भी बाहर है, यहाँ पे कहीं है, देख लो इसकी बात करो, आप ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपके सरफेस से बहुत बाहर है, लेट्स सी कितनी बाहर है सर आपके सरफेस से, एच हाइट अबव है, देख लो आपके सरफेस से एच हाइट अबव है, तो यहाँ पर ये हाइट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब अभी भी आप इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी ऑब्वियस है, तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो गया, तो हमें ऑब्वियस है जी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सेंटर से चूंकि डिस्टेंस लेनी है, तो चूंकि ये किसी हाइट पे है, तो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस यानी आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर हमेशा रेडियस होता है, स्मॉल आर अगर लिखा हो हमेशा डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच में पार्टिकल और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में डिस्टेंस लेनी है हमेशा आर, तो ये कितनी होगी, ये प्लस ये यानी आर प्लस एच, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ये आगे डिस्टेंस। तो अगर यहां से यहाँ पे जी की वैल्यू लिखूंगा किसी हाइट पर, जी की वैल्यू लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी फॉर्मूला निकल के आता है जी एम ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के सरफेस से ही बात कर रहे हैं, उसी का मास लेंगे, ठीक है, उसी का मास लेंगे, तो डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, तो जी एट एनी हाइट कैन बी रिटन एज जी एम ई ओवर आर, कितना है सर, आर प्लस एच है सर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बन गई आपकी जी की वैल्यू, नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये बन गई आपकी जी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएशन आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस आ रही है वो रेडियस से ज्यादा है, देखो इसमें एच एड हो रखा है ना, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से कुछ बाहर है, कितना बाहर है, ठीक है, एच तक इतना बाहर है, तो दिस इज द हाइट अबव द सरफेस ओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, जिसकी वैल्यू जिसपे आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो कि आप उस पर्टिकुलर हाइट पे ग्रेविटी जो होगी वो उसको कितनी इंटेंसिटी के साथ यू नो अटैक कर रही होगी, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, तो ये आप ये देखो, अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों आप इमेजिन करो, हमें कंपैरिजन करना होता है कि अगर अर्थ के सरफेस पे नॉन है तो किसी हाइट पे कितना होगा, तो अगर मैं अर्थ के सरफेस से आपसे पूछूं, तो अर्थ के सरफेस पे अभी हमने निकाला था जी एम ई ओवर अर्थ के सरफेस पे डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगी, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इस वाली क्वेश्चन को फर्स्ट मान लो, इस वाली क्वेश्चन को सेकंड मान लो और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा जी एच, ठीक है, ओवर जी एस इक्वल टू, ठीक है, आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाने वाली है, ये वैल्यू मतलब इस वाली को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये वैल्यू मिलेगी, और आर के बारे में आप देखेंगे दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड एच इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये रिलेशन आएगा डिवाइड करके आपको देख लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो जी एच फाइनली यहां से अगर मैं लिखूं और अच्छे से इसको, तो ये निकल के आना चाहिए जी एच, यानी जी एट एनी हाइट, मैंने नाम दे दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और जी एट एनी सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आर ई, ठीक है ना, ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इज द ऑसम रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी अभी तक आया वो इसी रिलेशन से सॉल्व किए जाएंगे।
जबकि अर्थ के सरफेस से आप बाहर किसी भी हाइट पर जी के वैल्यू की बात करोगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हाइट होने वाली है बहुत ज्यादा हाइट होने वाली है, ये तब है जब एच की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, मतलब वो रेडियस ऊपर के कंपैरेटिवली हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे मान लो अर्थ के सरफेस से आपने बॉटल ऊपर ऐसे लेके चले गए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बहुत मिनिमम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। मतलब सर पता कैसे चलेगा, जब भी एच की वैल्यू आपको रेडियस के टर्म्स में गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की रेडियस ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है 6400 किलोमीटर होती है, उसके टर्म्स में गिवन होगी तो एच भी तो बहुत ही होगा ना यार, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ऐसे मान के चलना कि यही फॉर्मूला यूज होगा जब भी ये निकालना है। अगर उस हाइट पे सपोज करो ये हाइट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका वेट यहाँ पे देखना है, अगर उस हाइट पे वेट निकालना है, वेट तो इधर भी उस बॉडी से देखना, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, इसके मास से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके मास से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेट बन जाएगा एट एनी हाइट। और चूंकि यहाँ एम जी एस वो था यहाँ पे 27 पे, तो एम जी एस मतलब ये वेट बन जाएगा उसका 27 पे, फॉर्मूला एज इट इज रहा, आर ई ओवर आर ई प्लस एच और इसका होल स्क्वायर, दिस इज योर सेकंड रिलेशन। एक्चुअली अगर जी पता है तो वेट तो निकाल ही सकते हैं ना, बस इसके मास से को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं सर, वो बोलेगा कि एक बंदा है उसका अर्थ के सरफेस पे वेट है समथिंग 90 kg, तो बताओ इतनी हाइट पे अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पे बाहर जाते हैं उसका वेट कितना होगा, तो सरफेस वाला वेट यहाँ पे पटक देंगे, एच की वैल्यू की होगी यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी जस्ट रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कैसे सर, कि किसी हाइट पर उस बंदे का जो वेट है वो जब वो सरफेस पे था उसके सरफेस का कितना टाइम्स है, तो हाइट वाला वेट गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ दिस, वो कैंसिल हो गए, एच पूछेगा तो बताओ कितनी हाइट पे ऐसा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये वाला रिलेशन है। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना, यहाँ पे जो एच की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो एच की वैल्यू होगी इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वे एच जो गिवन होगा वो एन टाइम्स होगा रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में होगा गिवन हाइट, तो ये एन कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का ये जो हाइट होगी ये रेडियस के टर्म्स में गिवन अगर है तो समझ जाना वेट के रिस्पेक्ट में ये वाला फॉर्मूला, और अगर जी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, ये पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ। लेकिन एच अगर बहुत कम है, इफ एच इज वेरी 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 लेस देन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते दोस्तों। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको कभी समझ में ना आए, जब भी एच की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 किलोमीटर हो, है ना, 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला वेट के लिए यूज होगा। और अगर 1000 से बहुत कम है, 1000 से वैल्यू बहुत कम है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत 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 कम है, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसके अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इस कंडीशन के लिए जी एट एनी हाइट, जी एट सरफेस 1 - 2h/r, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब h बहुत कम होता है कंपैरेटिवली टू r, मतलब 1000 किलोमीटर से बहुत कम होगा, ठीक है, तब इसका यूज होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताता चलूंगा, डोंट वरी, मैं बताता चलूंगा आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले सारे वैरायटीज एक बार देख लेते हैं तो फिर मजा आने वाला आपको क्वेश्चन करने के लिए। हाँ वैरायटी में आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपने यूज करनी है, समझ आओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर ये कब यूज करें, ये कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब बहुत ही रद्दी वाली हाइट गिवन होगी, मतलब बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम हाइट आपको गिवन होगी, तब इसका यूज करना है। सर पता कैसे चलेगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए, जब 1000 किलोमीटर से भी कम हो, 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से जिस एच की वैल्यू कम हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा दे रखिए, तो ऑब्वियसली आप ये वाला फॉर्मूला जी कैलकुलेशन या वेट कैलकुलेशन करने के लिए यूज करके आने वाले हैं, ओके। ये आपने ध्यान रखना है, और याद रखना कि एच रेडियस के टर्म्स में दे रखा है, तो एन टाइम्स, एन का मतलब कि एच की जो वैल्यू है वो रेडियस के कितने टाइम्स है, वो एन है यहाँ पे, वो कितने टाइम्स है, वो एन की वैल्यू है, तो उसको उठा के आप रखेंगे, अपना आंसर हम बना सकते। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो आप टेंशन मत लो, आपके दिमाग के दर्द हो जाएंगे और आपको पता चलेगा क्वेश्चन करना कैसे। सो दिस इज फॉर यार, अगर हाइट की बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ओके ओके बॉस। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा यार आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या पूछा जा सकता है, क्या दे सकता है, और इवन ये भी बता देता हूँ कि एच की वैल्यू आपको क्या दे सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, सपोज करो हाइट जो है सरफेस के ऊपर जो हाइट है, सपोज करो ये सेंटर है आपका, यहाँ सरफेस तक की हाइट तो ऑब्वियसली यही होगी, मतलब उसकी जो रेडियस है सरफेस तक डिस्टेंस तो यही होगी, लेकिन हाइट उसके
बाहर ये जो एच होगी ये आपके कंपेरेटिवली कितनी होगी अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है जी। तो एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से एन टाइम्स होगी, एन मे बी वन जो जनरली क्वेश्चन देता है, एन मे बी टू, एन मे बी वन बाई टू, एन मे बी थ्री बाई टू भी दे सकता है, एन मे बी वन बाई फोर दे सकता है, एन मे बी टू बाई थ्री दे सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, एन मे बी वन बाई थ्री दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एन की वैल्यू मतलब सर एच क्या हो जाएगा, तो एच देखो अगर वन ले रहा है तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल दे देगा। बताओ भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है तो जी की वैल्यू बता दो वहां पे कितनी होगी, तो उड़ा देना तो जी की वैल्यू कितनी होगी हाइट पे, जी एस इंटू आर ओवर आर प्लस एच, एच की वैल्यू दे दिया आर के इक्वल और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो जी एच इक्वल टू जी एस सरफेस पे कितनी है आर आर टू आर, देखो ये आर टू आर नीचे टू बचेगा क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएंगे और इसका स्क्वायर यानी जी आ जाएगा इतना, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकालेंगे, मैं न्यूमेरिकली बता रहा हूँ आपको कैसे आते हैं। और अगर आपकी एन की वैल्यू टू दे रखी है तो एच दे रखा होगा टू टाइम्स ओवर रेडियस ओवर, वो आपसे बोल रहा है कि रेडियस ओवर के कंपैरेटिवली जो बॉडी अर्थ के सरफेस से डबल हाइट पे उसकी रेडियस की डबल यू नो डिस्टेंस अवे है उससे, ठीक है। सो यार जहां पे एच है वहां पे टू आर पुट कर देना, मतलब यहाँ टू आर आ जाएगा, तो जी एट एनी हाइट आप लिख सकते हो जी एस। ये सारे क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब आप जाके करेंगे सारे क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला था आर प्लस एस था ना, कहा लिखा मैंने जी एट एनी हाइट है, जी एट सरफेस आर ओवर आर प्लस एच था ना आपका फॉर्मूला ये वाला, तो एच की जगह वैल्यू पुट करनी है तो आर ओवर आर प्लस टू आर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करो आर आर कैंसिल थ्री नाइन आ जाएगा, तो जी एस बाई नाइन इतना आंसर आ रहा है। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जी की जो सरफेस वैल्यू है, सरफेस पर जो वैल्यू जी एस थी, अब जी एस से वन बाई फोर हो गया, मतलब हाइट पर जी की वैल्यू जो भी होगी हमेशा याद रखेंगे नोट करके कि हाइट पे जी की वैल्यू हमेशा सरफेस से कम होती है, मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से बाहर जाते हो आपकी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जब दूर जाते जाएंगे आपकी जी की वैल्यू कम हो रही है। देखो हर उसमें जी एस बाई नाइन आ रहा है, वन बाई नाइन यू नो आ रहा है यहाँ पे, तो कितनी कम हो गई है जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अगर आप एन बाई एन की वैल्यू थ्री बाई टू ले लेते हैं तो एच हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू आर ई, तो ये वैल्यू जो है ना ये जो एच है थ्री बाई टू यानी 1.5 ओम आ रही है, तो यहाँ पे पटक देंगे इसको, फिर से सॉल्व कर लेंगे, फिर से वैसे सिलसिला चलता रहेगा और सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। बस आपने ये देखना है कि आपकी एच की वैल्यू आर के टर्म्स में कितनी दे रखी है, उसको इस फॉर्मूला में यहाँ पुट करना है, सॉल्व करना है, उतना काम तो आप कर ही सकते हो ना यार। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप बात करोगे कि अर्थ के सरफेस से बाहर जाने में जी घट रहा है बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज होता है, कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब हमारा वेट वैरी करेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी बंदे का वेट 100 केजी है, कोई बंदा लड्डू सा बनकर यहाँ पे बैठ गया सपोज करो, ठीक है, एक लड्डू सा बनकर यहाँ पे बैठ गया, बड़ा खुश नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर इसका जो वेट है यहाँ पे 100 केजी है तो इसका जो वेट होगा इस हाइट पे कम हो जाएगा, यानी वेट जो हाइट पे होता है वो कम होता है सरफेस के कंपेरेटिवली, कितना कम होता है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे वेट पूछा जाए, मान लिया मैंने लिया कि हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ पे बंदे का जो वेट है वो 100 केजी है, तो बताओ इस हाइट पे कितना होगा, ठीक है। तो हाइट में वेट निकालते हैं, देखो क्या था फॉर्मूला, ये था सर, वैसे तो आप जी निकाल के डायरेक्ट कर सकते हो बट फॉर्मूले के थ्रू हम जा रहे हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है सर। वेट एट एनी हाइट तो सरफेस पे कितना है सर 100 न्यूटन मान लो, ठीक है, तो आर ओवर आर प्लस आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो 100 इंटू आर आर कैंसिल हो गया 1/4 यानी 25 न्यूटन का वेट उसके पास बचने वाला है। तो यहाँ पे था भाई वो 100 केजी का और हाइट पे जाने पे हो गया 25 न्यूटन का, वेट चेंज हो रहा है क्योंकि जी चेंज हो रहा है, ठीक है, जी चेंज हो रहा है क्योंकि इतना फोर्स से ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी और उसका वेट भी है, ठीक है, इतने फोर्स भेज रहे हो उसका वेट भी है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से डील कर सकते हो, जो डॉन वाली, तो ये जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखे इन्हीं में से कहीं ना कहीं एग्जामिनर वहां पे वैल्यू यूज करता है, तो आपको ये भी पता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपने अपने कंसेप्ट को यूज करके आना है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़े, अब हम यू नो डेप्थ वाले केस की बात करते हैं, फिर रोटेशनल वाले की है, उनको डिराइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट लिखूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, डायरेक्ट कंसेप्ट लिखेंगे तो मजा आने वाला है और जल्दी से अपने कंसेप्ट को छोटा सा तो प्यारा सा कंसेप्ट ही है। क्वेश्चन कैसे करते हो वही मैं सिखा रहा हूं, आप आराम से जाके फिर अपने यू नो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर सकते हो, तो फंसोगे भी नहीं और फंडा भी हमारा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन के हमारे बड़े से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। तो ये तो एक क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सॉल्व करके देख लेते हैं, वैसे तो इजी है, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आप
खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको क्वेश्चन को पार्ट के समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, उसमें उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे यूज करके आने वाले, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे ना यार दोस्त, ठीक है, तो उड़ाई देंगे। तो देख लो क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं मस्त तरीके से, देख सकते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि the height at which the weight of the body becomes 1/16, इन्होंने बोला था ना, आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर से पढ़ लेता हूं, the height at which the weight of the body is becomes 1/16 its weight on the surface of earth is, वो हाइट बता दिए जहां पर, ठीक है, पर क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेशन में आप जल्दी से कर देता हूं। तो ये सेंटर है और यहां से आते के डिस्टेंस ऑब्वियसली r होती है, तो उसने बोला कि वो हाइट बता दी है जहां पर मान ले बॉडी यहां पे है और कितनी हाइट अब है, ये हाइट बता दी, क्योंकि इस हाइट पे जो वेट है वो दे रखा है जब ये सरफेस पे थी वो बॉडी, ठीक है, वो सरफेस पे थी तो उसका वेट कुछ था, ठीक है, और उसको कुछ वेट था, कुछ भी मान लो डब्ल्यू एस मान लो उसको, तो यहाँ पे जो हाइट है वो डब्ल्यू एस हाइट का 1/16 है, ये दे रखा है, ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाने पे यू नो आपका वेट कम ही होगा, ठीक है, तो ये दे रखा है, दिस इज द गिवन इन द प्रॉब्लम। तो यार क्या बात कर रहे हो यार, अपने आप तो किसी हाइट का वेट दे रखा है तो हाइट बताओ यार, फॉर्मूला है ना आपके पास, तो डब्ल्यू एस आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसके लिए कम लिखोगे सरफेस का 1/16 कम है तो आप लिख सकते हो आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये उड़ा डालो बॉस, ये आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब तो सॉल्व भी करना है, एच निकालना है, ये स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट ले लो, और इसका जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो 4 आएगा ना बाहर, इसका स्क्वायर हटाओ इसपे रूट आएगा, तो रूट से बाहर आ जाएगा 1/4, तो आपके पास बचा 1/4 इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस एच, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आर प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा 4r, तो आप देख सकते हो एच इसको लिख जाओ 3 times ओवर, मतलब हो सकता है भाई, देखो मतलब हाइट इतनी होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ अर्थ से 3 times ज्यादा हो, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ से 3 times ज्यादा हो, ऑप्शन चेक कर लो एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच योर प्रॉब्लम्स, आराम से कर सकते हो, मतलब मुझे लग रहा है कि आप सब इनको बढ़ा डालोगे 4 डालोगे, अब मुझे इसके और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, आप खुद ट्राई करेंगे, खुद फंसेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, नहीं आएंगे तो मुझसे पूछेंगे, अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं जल्दी से भागने वाला हूँ किसकी तरफ सर, हाँ भागने वाला हूँ सर, नहीं नहीं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, सो डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट को जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि लिटिल बिट छोटा सा ही माना जाएगा, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन तो हमें करनी नहीं है, हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उसके थ्रू आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ यार, एक दो क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर डिपेंडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए और ऑब्वियसली हो भी गया होगा, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ लो और जो उसमें गिवन डेटा है उसको देख लो, क्वेश्चन में बोला क्या गया उसको बहुत ध्यान से देखा करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है वो अपने अपने आप बताता है आपको कि ये इन्फॉर्मेशन है और इस तरीके से आप कंसेप्ट यूज करके इसमें अप्लाई करके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन देते ना वही इंपॉर्टेंट होती है, उसी से आइडिया लग जाता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, सो चलो देख लेते हैं। उसने बोला डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, उत्तरी, अच्छा सपोज करो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा कोई एक प्लैनेट है जो अभी अभी डिस्कवर किया गया है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है सर, ठीक है, उसने बोला इसकी जो डेंसिटी है ना इस प्लैनेट की वो अर्थ की डेंसिटी से डबल है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, अब देखते हैं पूछेगा क्या, तो जी ही पूछेगा यार क्योंकि अभी तक यही कंसेप्ट पढ़ा है आपने, है तो ओके सर द एक्सप्लेनेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अगर आपके सरफेस पे जी एस की वैल्यू को जी है तो जो प्लैनेट है इसके सरफेस पे भी जो जी की वैल्यू होगी वो जी ही होगी, ये क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि जी की वैल्यू तो होने वाली है सेम, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर दैट द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो उसने बोला कि अर्थ की जो रेडियस है वो है भाई आर, तो बताओ उस प्लैनेट की रेडियस क्या होगी, तो यार क्या बात कर रहे हो यार, रेडियस ऑफ प्लैनेट है तो जैसे उसने डेंसिटी का नाम यूज किया, जी का नाम यूज किया, तो जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, देखो मैंने बोला था ना इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो छोटा सा लेकिन प्यारा सा है, तो जी को याद रख लो, जो जी की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 4/3 pi जी रो इंटू आर, ये वैल्यू तो सारी कॉन्स्टेंट होती थी, आई थिंक आप चेक कर लेंगे एक बार, और ये जो जी है ये डिपेंड कर रहा है आपका डेंसिटी पे, डेंसिटी इंटू आर वाला ये फॉर्मूला है, ना कि आप ये वाला यूज करोगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला यूज नहीं करोगे क्योंकि ये मास के टर्म्स में, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था डेंसिटी को, क्या डेंसिटी के टर्म्स की बात कर रहा है, तो पहले लिखेंगे जी अर्थ का, फिर लिखेंगे रो ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, फिर लिखेंगे जी ऑफ प्लैनेट
रो ऑफ प्लैनेट एंड द आर ऑफ प्लैनेट दोनों को डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। सारी वैल्यू जो मिली मैंने नोट कर दो, ये दोनों इक्वल है। उसने बोला जीपी और जीएस इक्वल है, मतलब प्लैनेट के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू ऑब्वियसली सेम दे रखी है। सो यहाँ पे वन आ गया। अब जो डेंसिटी है ना प्लैनेट की, वो अर्थ की डेंसिटी से डबल है। तो ये अर्थ की डेंसिटी है इनटू रेडियस ऑफ अर्थ आर मान लो, एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, इसकी जगह लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ रो ए इनटू द रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, तो आप देख सकते हो आर पी आपके पास आ गया आर बाय 2। सो प्लैनेट की जो रेडियस होनी चाहिए वो हाफ होनी चाहिए, एंड दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। दिस शुड बी हाफ, ओके, यही बोला था उसने। And the density of nearly this one planet twice that of the Earth, yes. So इस तरीके से आपको बस फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपने समझ लिया क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना, फिर तो भाई आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन आप इजिली अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो होप सो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कि वैसे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, फिर तो पक्का पक्का आप कर लेंगे। नोट ऑफ प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, डेली भी आपको ऑब्वियसली मिल चुकी है, उसको आप सॉल्व करेंगे, बुक से क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो पक्का पक्का सारे तरीके आपके आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जी एंड डेप्थ। तो जो हम डेप्थ पे जाते हैं, यू नो अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, तो जी का उस समय कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है। सो ड्यू टू डेप्थ देखते हैं किस तरीके का वेरिएशन आता है, ओके। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट और दैट इज द वेरिएशन नंबर 2 ऑब्वियसली। तो यार देखो मैंने पहले बोला था आपको छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक सा एक कांसेप्ट है, बिल्कुल आना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में यही कंसेप्ट हम यहां पे सीखेंगे, छोटी प्यारी सी वीडियो आपके लिए होने वाली है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आने वाले हैं, ठीक है। तो उसने बोला वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, ठीक है। सो जी का जो वेरिएशन है वेरिएशन नंबर 2 डेप्थ की अगर हम बात करें तो सपोज करो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसका काफी यूज होता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे भी आने वाले चैप्टर्स जैसे एसएसएम वगैरह की आप बात करोगे, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके गाइस। और आपको पता है कि जो रेडियस है ऑब्वियसली वो आर ई से डिनोट कर रहे हैं, इसका जो मास है वो एम ई से डिनोट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप हो गड्डू से, यहाँ पे बैठे हो गड्डू से, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो मस्त तरीके से, ये सरफेस है। तो सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है तो हमें पता ही, अब सपनों में आती है हमारे, तो आर ई एम ई और इसका स्क्वायर, ये तो होती है सरफेस पर, जिसकी वैल्यू निकल के आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने तो हम मतलब अब तो अब दिलो दिमाग में है ये सारी चीजें, ठीक है। हम वो पता है क्या बोल रहे हैं, जो लड्डू से आप बैठ गया इसके पैटर पे, इसके मतलब सरफेस के सरफेस पे, ये बोलते हैं कि मैंने अंदर जाना है, मतलब इसके सेंटर तक जाना है जी, यहाँ तक जाना है। चलो भाई देख लेते हैं। तो जब ये इसके सेंटर तक जाएगा तो ऑब्वियसली अर्थ है, मटेरियल है, वो तो हटाना पड़ेगा उतना मास अंदर जाने के लिए आपको, ठीक है। मतलब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे सेडिट कर देता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ हम अंदर जा रहे हैं और आप कुछ मटेरियल रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे समझोगे वो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भाई अंदर जाना है, तो चल भाई अंदर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आया सपोज करो, तो देखो यहाँ से मार्स पूरा हट चुका है, अगर वो यहाँ तक पहुंच गया और लड्डू सा यहाँ बैठा है, ठीक है, तो इसके चारों ओर से इतना मास आप हटा चुके हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इतनी सी अर्थ बची, देखो सेंटर यहाँ पे है, अभी जो डिस्टेंस बची है इसके पास, चूंकि ये डेप्थ में नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक यानी इसकी डेप्थ है डी, इतने नीचे आ गया और ये इतना मास आप हटा चुके हो, ये इतना, ठीक है, आप समझ जाएंगे बात को, ठीक है। तो जो इफेक्टिव मास होगा, जो इसके ऊपर काम कर रहा होगा, वो केवल इतनी सी अर्थ की वजह से होगा। इसकी जो रेडियस है कुछ मान लो, इसकी अब जो डिस्टेंस बची है, कुछ मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इस लड्डू के पास बची है वो आर बची है, और वो आर आप निकाल सकते हो, छोटी सी अर्थ बन गई, मतलब ये पूरा आपने हटा दिया है, ठीक है। तो इसका जो मास है, देखो पूरी अर्थ का मास था एम, इसका मास हमें नहीं पता है, एम डैश मान लो, ठीक है, ये भी नहीं हमें पता है। अगर पूरी सरफेस तक की डिस्टेंस देखूं यहां से यहां तक, ये तो उसकी रेडियस है, लेकिन स्मॉल आर की वैल्यू क्या मिल गई, पूरी में से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, डी इज फॉर डेप्थ, मतलब वो सरफेस से कितने नीचे आ गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो सेंटर से देखें अगर इसकी डिस्टेंस ये कितनी है, तो कैपिटल आर माइनस डी दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि यहां पे वो आ गया है, अंदर आ गया, ठीक है। तो आप यहां पे जी की वैल्यू जो होगी, जो यहां पे उसको जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी इस डेप्थ पर, तो इस डेप्थ पर जो जी होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, जी और चूंकि अब इतनी सी अर्थ आपके पास बची है, उसका मास ओवर उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो जी एम डैश ओवर डिस्टेंस आई है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अगर ये आपको एम डैश मिल जाए तो बात बन जाएगी,
अगर एमटेस्ट मिल जाए तो बात बन जाएगी, मतलब सर मतलब चूंकि आप उसके अंदर आए हो तो जो बचा हुआ मास है वो अभी निकालना पड़ेगा। तो आप देखो जो टोटल मास था वो अर्थ के टोटल वॉल्यूम में था 4πr³, क्योंकि डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट ही है ना, डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट ही है, उसी का हम फायदा उठाएंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू जो बचा है मास वो और जो उसका वॉल्यूम है पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि अब इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर ही बचेगी ना, तो देखो ये 4r ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां से जो m डैश आ रहा है वो आ रहा है m by r cube into small r cube, ये आ रहा है आपके पास m डैश। क्लियर है? मैं मतलब जस्ट करके दिखा रहा हूं कि रिलेशन क्या आएगा, वो भी जरूरी है हमारे लिए। तो यहां पे आप पटक दोगे इसको, g upon r minus d का स्क्वायर into m डैश आ गया m by r cube और into small r, और small r की वैल्यू ये रही r minus d का क्यूब। अब ये स्क्वायर तो यहां से हो गया कैंसिल, तो देखो क्या बचा, जी एम अपॉन आर क्यूब बचा सर, और यहां पे बच गया आर माइनस डी ए। यही होना चाहिए वो, ठीक है? तो ये आपके पास यहां पे बच चुका है, ठीक है? ये आर माइनस डी ए यानी स्मॉल आर के टर्म्स में भी आप उसको लिख सकते हो, बना सकते हो, और यही होना चाहिए। क्या यही है? अच्छा इसका स्क्वायर भी तो है, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर माइनस डी बचा, यहाँ पे आर क्यूब है। यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं g at depth जो निकल के आ रहा है अभी तक वो आया g m upon r cube into r minus d, तो अब ये आ गया, ठीक है? तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है? ये जो r है यहां से कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर बचेगा g m r over r cube, अंदर बचेगा देखो एक r यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं, तो 1 माइनस यहां r नहीं है तो d by r हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बॉस? ओके, तो पूरा सॉल्व भी कर लिया यार हमने, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचा और अंदर बचा 1 माइनस डी बाय आर। कूल, अब आप देखो ये क्या है, ये क्या है सर? ये तब है जब वो सरफेस पे है, देखो मास ऑफ और रेडियस ऑफ कंप्लीट, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो सर? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाय आर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि उतनी लेंथी वीडियो होने भी वाली नहीं है, तो आपको कंसर्ट भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है? सो ये आ गया जी डैप, डैप वाला जी है, तो ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन आ गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, तो इसका डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। सो ये आपने ध्यान रखना है, तो 1 माइनस डी बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ आर एंड डी इज द डैप, तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डी, व्हाटएवर द गिवन वैल्यू, किसी भी डैप में पूछेगा, नीचे जाने पे r by 3 पे पूछेगा, जिस पे भी पूछेगा r by 2 पे पूछेगा, whatever, यहाँ पटकेंगे और आपकी g की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर वो वेट पूछते हैं ना यहाँ पे कि डेप्थ के नीचे कितना वेट होगा, तो मास बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट को आप देख सकते हो वेट एट डेप्थ, वेट एट सरफेस 1 माइनस डी बाय आर, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर वो वेट की बात कर रहा होगा। तो देख लिया आपने किस तरीके से क्या करना है, फाइनली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू नो यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम easily। So, बस एक चीज याद रखना कि भाई यहाँ पे हम जो g का वेरिएशन करा रहे हैं वो डेप्थ पे करा रहे हैं, तो d is the depth from the surface of earth, earth के surface से आप कितने नीचे आ चुके हो, तो g निकालो, weight निकालो, whatever कुछ भी निकालो, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो अच्छा सर ठीक है, तो एक चीज अगर आप और अच्छे से यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले को, तो जी डी इज इक्वल टू जी एस, अगर इसको मैं वापस यहाँ पे लेके आऊँ तो मैं लिखूंगा r माइनस डी अपॉन आर, ऐसे लिखूंगा ना, तो ये जो है ना ये वाली वैल्यू देखो, ये किसकी वैल्यू थी, r माइनस डी, ये सेंटर से डिस्टेंस थी वो जब नीचे डेप्थ पे आ गया था स्मॉल r, यानी स्मॉल r का वेरिएबल मतलब जो डिस्टेंस है उसके सेंटर से जो मेजर करते हैं, तो जी डी को हम लिख सकते हैं दोस्तों जी एस इंटू आर बाय आर, मतलब अगर देखा जाए ये कॉन्स्टेंट तो जो डी जी डी है वो उसकी डिस्टेंस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत क्लियर भी दे सकते हो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है जो सेंटर से देख रहे हो कहां कहां धीरे 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 धीरे, अगर r की वैल्यू आपने जीरो कर दी तो ये जीरो हो जाएगा, देखो अगर r की वैल्यू आपने जीरो करी तो जी डी जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, जी डी जो होगा मतलब जो g की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे जाके जीरो हो सकती है, कहीं ना कहीं सेंटर पे जाके जीरो हो सकती है, अदरवाइज वो कहीं पे भी जीरो नहीं होने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना चाहिए, मतलब जी की जो इंटेंसिटी है वो कहाँ खत्म हो सकती है, उसके सेंटर पे खत्म हो सकती है, इससे आपको ये पता चल रहा है, मतलब आप इजीली बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, या तो ऐसे बोल लो कि भाई ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या अगर डी की वैल्यू आप आर के इक्वल हो तो मतलब ये पूरा बंदा सेंटर पे आगे बैठ जाए, तो उस कंडीशन में जो आर होगी वो डी के क्या हो जाएगी इक्वल, तो आर
जो होगी वो डी के इक्वल होगी, डी यानी कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, उसकी रेडियस से पूरी पूरी डिस्टेंस को कवर करेगा, तो डी आर आर कैंसिल, 1-1 ये 0 हो जाएगा। तो भाई ये याद रखना है आपने, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो जी की जो वैल्यू निकल के आ रही है डेप्थ वाले केस में सेंटर पे 0 हो सकती है, अगर सेंटर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ वेरिएशन है। हाँ, चूंकि नीचे जा रही है तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो क्लियर है डेप्थ पे भी जी की वैल्यू सरफेस से कम होगी, यानी चाहे तो आप सरफेस के नीचे जाओ या सरफेस से ऊपर जाओ, जी कम ही होगा। ठीक है, जी कम ही होने वाला है, मतलब ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो ये बेसिक सा एक पढ़ना है आपके पास, थोड़ा सा आप इसको याद रखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से फिर आप इसको डिफेंड कर सकते हैं, इसको क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई ऐसी पंगे वाली बात नहीं आएगी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप अपने आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट वेरिएशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, उसको मैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे जाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाऊंगा, फिर उस टाइप के मतलब उसको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, जितना छोटा उतना खोटा ऐसे मान के चलो, बेसिक से ज्यादा क्वेश्चन यू नो आज तक पूछे जाते रहे, तो पूछ लिए जा सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द लास्ट वन, यू नो अगर हमारे यहाँ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो ऑब्वियसली तो देखते हैं रोटेशन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या जी रोटेशन करने की वजह से चेंज होता है या नहीं होता है। अभी तक जो हमें देखने को मिला है, ऑब्वियसली अगर आप अर्थ के सर्फेस पे हो तो जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहने वाली है हर जगह पे, लेकिन अगर आप अर्थ के सर्फेस से बहुत बाहर जाते हो, मतलब बहुत ज्यादा बाहर जाते हो एक्चुअली कंपैरेटिवली रेडियस ऑफ अर्थ, अगर आप बाहर जा रहे हो ठीक है, सो जी की वैल्यू वैरी कर रही है, वो घट रहेगी। अगर अंदर जा रहे हो सर्फेस के अंदर आप जा रहे हो, इनसाइड जा रहे हो, डेप्थ पे जा रहे हो, ऑब्वियसली तभी जी की वैल्यू वैरी कर रही थी। अभी अभी हमने देखा है रोटेशन की हम बात कर रहे थे ठीक है बॉस। तो क्या होगा अगर हमारी अर्थ ये है, देखो ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा के साथ ये घूम रही है ठीक है। तो बोलता है कि सेंटर है सर, मैंने बोला ठीक है बॉस, उसने बोला कि हाँ अगर ये सेंटर है तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ अर्थ होगी आर ठीक है। तो देखो अगर कोई पार्टिकल मैं यहां पे ले लूं, यहां से एक छोटा सा पार्टिकल ले लूं और वो अर्थ के सरफेस पे यहां पे है, जिसका कुछ मास ले लेते हैं एम, तो अर्थ का काम है उस पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना, बिल्कुल क्लियर है सर, सही बोल रहे हो आप। और जब भी उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसको किसको अट्रैक्ट करेगी, जी से अट्रैक्ट करेगी इसकी वेट को, तो एम जी की वैल्यू तो इधर को ऑब्वियसली होगी होगी, लेकिन जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा इस पर पीछे को एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देता है ठीक है। जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा इस पर पीछे को एक फोर्स करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जैसे ये घूमेगा वो आगे जाएगा, तो ये इस सर्कल में घूम रहा होगा, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं ठीक है ठीक है। तो जैसे ये घूम के आगे जाएगा, सपोज करो यहां पे जा रहा है, अब अट्रैक्शन जो होगा अर्थ तो सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी, ध्यान से समझना, अर्थ तो उसको अभी भी सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अट्रैक्शन तो सेंटर की तरफ होगा, यानी इसका जो वेट होगा ना, ये मास है एम जी, ये तो सेंटर की तरफ ही होगा ठीक है, लेकिन ये किसी एंगल से देखो घूम चुका है ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन जो उसका थीटा। लेकिन आप चूंकि जिस सर्कल पे घूम रहा होगा वो तो ये होगा, वो सर्कल तो ये होगा जिस पे ये घूम रहा होगा इस तरीके से ठीक है, वो तो ये होगा, ये यहाँ पे घूम रहा था, और अगर ये और आगे जाएगा तो सर्कल ये हो जाएगा ठीक है, मतलब धीरे धीरे उसका सर्कुलर जो पाथ है वो अपनी पोजिशन के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे घूमेगा, यहाँ पे तो ऐसे 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 ठीक है। तो जब वो यहां पे घूमने स्टार्ट करेगा तो फिर से उसको बाहर पे फोर्स एक्ट करेगा। तो हम एक जनरल सिचुएशन ले लेते हैं, जब वो किसी एंगल पे रोटेट कर गया ठीक है, ये वाली सिचुएशन लेते हैं, ये वाले ठीक है, ये वाली सिचुएशन आपको यहाँ पे लेके सॉल्यूशन कर ले रहा है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ सर एक बाहर को फोर्स लगेगी, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा जब हम किसी चीज पे राउंड अराउंड घूमने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पीछे को एक फोर्स लगता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर को घुमाने के लिए जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपेटल, लेकिन बाहर को ले जाने के लिए लग रहा है उसको सेंट्रीपेटल का जो अपोजिट होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, ये थोड़ा आप याद रखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आपको एक्ट करेगा और वो होता है एम ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है सेंट्रीपेटल के इक्वल ही है, वी स्क्वायर बाय आर ठीक है, ये रहेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये जो भी बॉडी है और उसका ये पाथ है जिसपे वो रोटेट करेगा ठीक है, अगर ये पाथ है और सेंटर की तरफ भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी जो पाथ की रेडियस होगी वो ये होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है उसकी वो कैपिटल आर के इक्वल है, क्योंकि बिल्कुल ये इसके डायमेट्रिकली है ठीक है जी। तो ये होगी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब आप क्या करेंगे सर, तो ये जो आर लिया है मैंने, ये इस पाथ की रेडियस है ठीक है, और v आपको पता है जब ये घूम रहा है तो लीनियर वेलोसिटी होती है v इक्वल टू r ओमेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं m r ओमेगा का स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है ओमेगा के टर्म्स में निकाल लिए हमने ठीक है। अब आप ध्यान से देखो,
ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो, इस फोर्स के इधर आएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। मैं इस वाले मेथड से आपको बता रहा हूं। तो इसके रोटेशन की वजह से हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है, हुआ क्या इसके रोटेशन की वजह से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटर की तरफ इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी, देखो सेंटर की तरफ इसको इसके वेट को अट्रैक्ट कर रही थी, उसके अपोजिट एक फोर्स यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये तो कंफर्म है, कहीं ना कहीं जी की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि सेंटर की तरफ जब अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है कितना फोर्स अप्लाई करके, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो नेट जी होगा, इफेक्टिव जो जी होगा ऑब्वियसली वो चेंज हो चुका होगा। तो अगर मैं इसका नेट इफेक्टिव वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, जी कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, अगर मैं नेट फोर्स सेंटर की तरफ निकालूंगा इसका, तो क्या आएगा mg माइनस इसके अपोजिट है f cos थीटा, और इसको नेट इफेक्टिव अट्रैक्टिव जो वेट होगा उसको लिख दोगे mg डैश लिख दो, ठीक है, तो ये बनेगा mg माइनस f cos ऑफ थीटा, f की वैल्यू ये यहाँ पे आप पटक देंगे, इसको सॉल्व करेंगे g डैश की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम इफेक्टिव g कहते हैं। तो g डैश की जब वैल्यू आप यहां से निकालोगे दोस्तों, वो निकल के आएगी g at surface minus r omega square cos of square theta। आप याद रखेंगे मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट कर देना, अपने आप आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, ओके। सो ये आपने याद रखना है कि ये होता है सर g डैश लिखो या g इफेक्टिव लिखो, मतलब उसका कहने का ये है कि इस पूरे टर्म में ये तब है जब वो उसके सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, r उसकी रेडियस है, आपकी ओमेगा एकदम वेलोसिटी है, थीटा जिस एंगल से वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, मतलब रोटेट हो रहा है जिस एंगल से, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें। और यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली होती है उसमें से यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इतना टर्म ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी जी डैश इज लेस देन जी एस, मतलब रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है, वो वैरी कर रही है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख सकते हो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो वैसे वैसे वैरी करेगी, फिर वापस आएगा, मतलब वैरिएशन उसमें हो रहा है। न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कभी एंगुलर वेलोसिटी पूछे बोल देगा कि उस पर्टिकुलर यू नो पॉइंट में इंस्टेंट पे वहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू इतनी है, सरफेस वाले जी की वैल्यू तो ऑब्वियसली हमें पता ही होती है, तो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, देखो ये क्या है आपके पास, ये वाला तो इक्वेटर नहीं हो गया, इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, इक्वेटर है और ये आपका पोल है, ठीक है, तो अगर आप इक्वेटर की बात करोगे यहाँ पे पार्टिकल है, तो ये जो थीटा होगा यही से मेजरमेंट हो रहा है, तो इक्वेटर पे अगर हम देखें इक्वेटर पे, ठीक है, थीटा की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि भाई यहीं से तो डिस्टेंस ले एंगल का मेजरमेंट कर रहा है आप ऊपर को, और एंगल तो यहीं पे आई इक्वेटर पे ही है, तो थीटा जीरो कॉस जीरो, तो जी की वैल्यू कितनी आई, देखो डायरेक्ट भी आ सकता था क्वेश्चन, मतलब ये रिजल्ट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, बट हमने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये वैल्यू जी डैश की जो है इक्वेटर पे है, कभी भी आपसे जी की वैल्यू अगर इक्वेटर पे पूछेगा ना इक्वेटर पर, तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी आ सकता है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगेगा और जस्ट इसके अपोजिट काम कर रहा है सेंटर के अपोजिट, ठीक है, किसी एंगल पर भी नहीं है, लेकिन अगर आप बात करोगे एट पोल, तो जैसे ही ये यहां से घूम के पोल पे पहुंचेगा यहां पर, तो देख सकते हो ये एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा, ये पोल पे 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 पूरा टर्म जीरो, तो इक्वेटर g डैश हो जाएगा, इक्वेटर इज इक्वल टू g s के इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वेटर पे पोल की वैल्यू मैक्सिमम होती है g s के इक्वल, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार छोटी-छोटी बातें हैं, मतलब आपको जैसी कंडीशन पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन कैसे किया इस ओके है ना, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो किसी भी एंगल पे निकाल लो, अभी तो मैंने 0 और 90 पे निकाला है, 0 पे इक्वेटर पे होगा, 90 पे पोल पे होगा, उसके बीच में 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी एंगल देगा जहां पे पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कर लोगे ना बॉस, ठीक है, कर लेंगे, आई थिंक सो, आपको बस इतना सा बेसिक सा पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है, ठीक है, ये इतनी बेसिक से नॉलेज हमें होनी चाहिए अपने चीजों को कवर अप करने के लिए। तो ये सारे वेरिएशन है, वैसे एक लास्ट वेरिएशन हो रहा है जो शेप ऑफ अर्थ की वजह से होता है, हमारी जो अर्थ, मैं यही बता देता हूँ आपको, ज्यादा उसमें डिटेल एनालिसिस नहीं करनी है, हमारी जो अर्थ है हम ऐसे मान के चल रहे हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसी नहीं है, तो आपने देखा होगा एक्चुअली में ऐसी नहीं है, तो थोड़ी ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, तो वो इक्वेटर पे जो रेडियस होती है और ये जो पोल पे जो रेडियस होगी, ठीक है, दोनों में फर्क है भाई, तो इक्वेटर वाली रेडियस जो होती है वो ज्यादा होती है और पोल वाली रेडियस जो होगी वो कम होती है, ठीक है, वो कम होती है, दैट्स व्हाई आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है,
तो उसका जी कम होगा, मतलब इक्वेटर पे जो जी होगा और पोल पे जो जी होगा, क्लियर है, क्योंकि उसकी रेडियस कम है ये कम, तो उसका जी ज्यादा, तो पोल का जी ज्यादा होगा जो पोल पे होगा और इक्वेटर पे कम है, इससे भी वही पता चलता है ना, जो इक्वेटर वाली डिस्टेंस है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एलिप्स टाइप का शेप नहीं बन गया यहाँ पे, है ना, ये इस तरीके से मान सकते हो, तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, ये वाली कम हो जाती है, ठीक है जी, ऐसे समझना। तो अगर हमें बताना है बस कि वो तो हम यहाँ से भी डिस्क्राइब कर ही रहे हैं कि पोल पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे आपका कम होता है, तो दिस इज द एक्चुअल शेप, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया। ओके, तो ये थे बेसिक से कंसेप्ट जी के वेरिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ क्वेश्चन जा रखे पूछ ले जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो दैट्स व्हाई जितना छोटा उतना छोटा, इसलिए बेसिक समझ के छोड़ने का नहीं है, छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप अपने उसको तोड़ लेंगे, और न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कर लेना, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस, मैं मुझे यहाँ पे कराने की इतनी जरूरत है नहीं, आप समझदार हो खुद भी कर सकते हो, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब मैं फोकस करने वाला हूँ उसके नेक्स्ट जो कंसेप्ट आने वाले, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड कैपलर्स लॉ, और उसकी फिर प्लैनेटरी मोशन की जब हम बात करेंगे, उसकी एनर्जी एंड ऑल, ठीक है, वो हमारे लिए नो डाउट। हाँ, एक क्वेश्चन हर साल देखा गया है कि यहाँ से पूछा जाता है वेरिएशन से, ज्यादातर हाइट वाला या फिर डेप्थ वाला का यूज करके ज्यादातर क्वेश्चन बनाए गए हैं किसी भी एग्जाम में, जो नीट हो चाहे जे मेंस हो। ओके, सो इतना था बस इस वीडियो में, और आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नाउ द बेस्ट।